ध्यान से आगे देखो, एल कहाँ जा रहे हैं? घूमने नहीं, पाली। क्या लेने जा रहे हैं? बहुत ही सामान। कौन आ रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं ससुराल पहुंच गई हूँ और मेरे मतलब काफ़ी सारे ब्लॉग है वो पेंडिंग पड़े, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मतलब आज ही का ब्लॉग डाल दूँ। मतलब आप लोगों को पता चल जाए, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि सौरव की स्कूल खुल गई, कि आप ससुराल हो क्या। तो मैं सब लोगों के जवाब देने के लिए आई हूँ आज, क्योंकि मैं ससुराल पहुंच गई हूँ। ससुराल पहुंचे हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ब्लॉग बहुत पेंडिंग कर दिए थे। मतलब वो बोला था आलस की वजह से, हाँ बनाऊंगी बनाऊंगी ऐसे कर। तो हमारे में सर लोग सोकर उठे, इन्होंने कहा कि आप ब्लॉग बनाइए, मुझे स्टिक दी है हाथ में ब्लॉगिंग की और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ उनके लिए। ये पहली बार बन रहा है, वैसे तो एक बार एक पूरा ब्लॉग बनाया, पर आज पहली बार बना रहे मेरे कहने पर। मैं इनको बोलती हूँ यार मेरे चैनल में आप भी आओ ताकि अच्छा लगेगा, तो वरना मैं अकेली अकेली बोलती रहती हूँ, आधा आप बोलो आधा मैं बोलूँ, तो ब्लॉग अच्छा लगेगा सबको। ये वीडियो इन्हीं के चैनल पे आएगा। जब मेरी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद मैं अपना चैनल खोलूंगा। तो अभी मेरे चैनल पे मैं इनको बोलूं बीच-बीच में आते हैं लोग ताकि अच्छा लगे, तो मैं कई बार कुछ बोलती हूं तो ये इनको थोड़ी शर्म सी आती है कि मैं कैसे बोलूं, जबकि इन्होंने ही मेरे को सब कुछ सिखाया। मेरे को इतनी शर्म आती थी, बिल्कुल नहीं मेरा बोलने का मन नहीं होता था कि मतलब मैं कैसे बोलूंगी कैमरे के सामने, पर इनके कहने पे मैंने इतना कुछ कर लिया, मतलब मेरे को सब पसंद भी करने लग गए, पर इनकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। मेरी बोलने की हिम्मत तो बहुत है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता बोलूंगा कि क्या बताऊंगा। मेरी लाइफ में क्या ऑफिस है और घर है, उसके बाद ऑफिस घर है बच्चे है वाइफ है घर वाले बच्चों उनके उनके बारे में डिस्कस कर सकते हो। बात सही है, बच्चों में देखा जाए तो हमारे बच्चे देखो ये देखो ये सो रहा है फुल मस्त नींद ले रहा है, आराम से सोया हुआ है। छुट्टी तो छुट्टी हाँ छुट्टी तो बहुत दिनों की लेकर क्योंकि इनके पेट में दर्द है, डॉक्टर को दिखाने के लिए आई। यहाँ पे देसी दवाई लेंगे, ये पाली में कोई है डॉक्टर वहाँ से देसी दवाई लेंगे, तो इसलिए ये 15 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। फिर देखो क्या बोलता है डॉक्टर, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत जगह पे दवाई ले ली है, कानपुर भी रहती है दवाई लेने के लिए, पर बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला उन दवाइयों से, इसलिए यहाँ पे दिखाने आ रहे हैं डॉक्टर। तो अब लोग मैं शुरू करता हूँ। आज मेरे जिया जी आ रहे हैं, दमू की ट्रांसफर सर्टिफिकेट बाकी था वो लेने आ रहे हैं, तो वो आएंगे फिर मैडम जी काम पर लग जाएंगे अभी शाम होते होते ही, क्योंकि अभी वो उसके हॉस्टल गए हैं, आएंगे तब तक 5 बज जाएंगे, फिर शाम की खाने की तैयारी रहेगी। आज वैसे मंडे है तो सबका फास्ट है हमारा, तो अंकल जी ने फास्ट नहीं करा। अंकल जी वैसे पहले मतलब पूरे 12 महीने के करते थे, पर अब कुछ टाइम से छोड़े हुए तो नहीं कर रहे, तो उनके लिए उसकी उसकी एक स्टोरी है, वो मैं भी कुछ स्टोरी है वो आपको बताऊंगा, कभी और बताएंगे, तो वो नहीं करते, कुछ रीजंस है उसकी वजह से वो नहीं करते। पीछे पीछे बच्चों ने आंख खोल दी, आपने आपको पीछे हमारी वॉइस सुन के चिकू आंखें खोल रहे हैं। चिकू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो दोस्तों को, हाय फ्रेंड्स करो, हाय फ्रेंड्स करो बेटा, हेलो फ्रेंड्स कर दो चिकू, हेलो फ्रेंड्स करते हो? नहीं चिकू का मूड नहीं बन रहा है, चिकू बाद में करेगा, हेलो फ्रेंड्स। तो फिर जीजो सा आएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर पता नहीं वो कल सुबह निकलेंगे या रात को रुकेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, वो आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। और पतिदेव को मार्केट भी जाना है, मतलब बारिश हो रही है इस वजह से रुके हुए, सब्जियां वगैरह खत्म हो रखी है, अभी जाएंगे ले आएंगे, पाली नजदीक ही है हमारे यहाँ से, अभी जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे, अभी कब होएगा ये नहीं पता, क्योंकि मम्मी इनको काफी देर से बोल रही है, पर बारिश हो रही थी ये भी सही था इस वजह से नहीं गए, पर अब बारिश रुकी हुई है तो फिर अभी जीजा जी का इंतजार हो रहा है हमारे जीजा जी। मेरे को लगता है ये साथ में करेंगे, जीजो साहब को लेके आएंगे और सब्जियां भी साथ में लेके आएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जाऊंगा अभी ले आऊंगा, सब काम हो जाएगा, फिर जीजा जी आएंगे। आपको जीजा से एक बार तो मिले हुए हैं, आपने टीका करते हुए ब्लॉग्स में देखा होगा, पिंकी दीदी के जो हस्बैंड है ना, आपने आप जानते हो आप ब्लॉग में देखा है, पिंकी दीदी ना उनके हस्बैंड आ रहे, मिलते हैं फिर जीजा जी के साथ। तो फ्रेंड्स चिकू उठ चुका है, चिकू और हम जा रहे हैं नीचे, चिकू बोलो हाय फ्रेंड्स। कि मैं बारिश अब खत्म हो चुकी है और बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, पूरा आपको सीन दिख रहा होगा मेरे पीछे,
हाँ रखो बेटा। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। ध्रुव राज नाम है आपका? हाँ। किसके बेटे हो? पापा के। मम्मी का बोला? पापा का। पक्की बात? तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ना चिकू मेरे कपड़े सुखा रहा है, हवा से नीचे गिर गए थे आज। वैसे बहुत हवा भी चल रही तो कपड़े टिक नहीं रहे थे, मैंने इस पर लगाया नहीं था तो फिर बार बार गिर रहे थे। जब मैं आई तो मुझे ऐसा लग रहा कि चिकू ने कपड़े गिराए, पर ये मतलब अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि मैं कपड़े रख दूँ और फुल मजे कर रहा है अपने पापा के। पापा नहीं लग रहा है ये अभी है ना, इसको मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहा जा रहे हैं घूमने? नहीं पाली। क्या लेने जा रहे हैं? बहुत ही सामान। कौन आ रहे हैं? कौन? यस वेरी गुड। मैं और पापा जा रहे हैं घूमी घूमी करने। तो फ्रेंड्स चिकू भी जा रहा है अपने पापा के साथ, कि मैंने आपको बताया था सब्जियां वगैरह लेके आने थे। तो गांव की रोड आपको दिख रही है जो बहुत ही हरा भरा सीन दिख रहा है, क्योंकि फ़िलहाल अभी बारिश हो रही है तो मतलब नहीं तो ऐसे पूरा सूखा हुआ मिलता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, पर अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर ये नदी चल रही है जो बहुत ही तेज़ चल रही है, वरना ये रुकी हुई रहती है, ऐसे नहीं है कि पूरा टाइम चलती रहती है, पर अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत तेज़ बहाव बढ़ा हुआ है इसका। और अक्सर यहाँ पर ना लोग देखने के लिए भी बहुत आते हैं, कई बार ये नदी पूरा बाहर भी आ जाती है, पर फ़िलहाल अभी तो सही तरीके से चल रही है, इतनी बाहर नहीं है। पर चिकू देख के इतना खुश हो रहा था, और मतलब इसको मतलब पापा के साथ घूमना और इसको बाइक पर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स चिकू और चिकू के पापा आए रिलायंस फ्रेश पाली में तो घर का सामान लेने के लिए, पर चिकू को तो जाते बस चिप्स और चॉकलेट दिख गए, तो बस यही लेने सारे, मतलब इसकी डिमांड होती है यही ले लूँ वही ले लूँ। और सेम ही सीन पता शौर्य का रहता है, शौर्य भी जब भी बाजार जाता है ना मार्केट कुछ भी सामान लेने के लिए तो उसको बस किंडर जॉय बहुत ज़्यादा पसंद है, पर चिकू को अभी किंडर जॉय का इतना मतलब पता नहीं है। कभी कभार सोरू खाता है तो साथ में ले लेता, पर इसको अभी चिप्स वगैरह चाहिए। और मुझे किंडर जॉय तो सबसे बेकार लगती है, बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा इतना अच्छा लगता है। और जसवंत भी बोलता कि ना ऐसा कोई जादू टोना करा हुआ है इसमें किंडर जॉय में, कि बच्चों को मतलब अपनी तरफ खींच ही लेता है, चाहे कहीं भी कैसे भी छुपाई हुई होती है ना। तो हमारी शॉप में भी ऐसा ही होता है कि मतलब इतने बच्चे आते हैं और सबको बस इतनी मतलब उनके घर वाले उनको हज़ार चीज़ पूछते हैं, पर उनको बस किंडर जॉय लेनी होती है, तो वैसा कुछ जादू ही मान लो। तो ये यहाँ पे भी चिकू के तो बहुत सारी फरमाइश चल रही है। और बाकी ये सब्जियाँ वगैरह मंडी से लाए हैं, और घर का सामान कुछ पोहे वगैरह ख़त्म हो रखे थे, कुछ और भी सामान था जो ये अभी यहाँ से मॉल से लेके आ रहे हैं। और ये घर आए तब तक जीजोसा और ये दोनों साथ में आए थे, मैंने आपको बोला था ना कि आएँगे तब तक लेट हो जाएगा, पर जीजोसा थोड़े से 10 मिनट बाद में आए थे और 10 मिनट पहले ही ये मार्केट से सारा सामान लेके आ गए थे। अब ले ले, अंकल भी है सामने। बिस्किट लेगा? पॉपकॉर्न नहीं लेगा? हैं? दोनों लेगा? क्या लेगा बता? जियो सा प्लीज प्लीज माय बात हूँ माय बात हूँ हाँ सगुंदी बात है सगुंदी ओ बस बुलेट की शिकायत नहीं करो, बस बुलेट की शिकायत नहीं करो। ओह जियो सा लो, हाँ यूँ मत करो, लो 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 जियो सा आपने सौगन है, आपने सौगन है। ओ ले लो भैया, हाउ जी क्यों? हाँ लो
कोई बात नहीं।